इंडिया को मजहबी लेंस से नहीं देखती, दुनिया इंडिया को बिजनेस लेंस से देखती है। दैट इज वेयर अ प्रॉब्लम इज। क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, तो हम भी इंडिया को इस्लाम रिलीजियस लेंस से देखना चाहते हैं। इंडियन जो इस वक्त रूलिंग पार्टी बीजेपी है, वो भी इंडिया को मजहबी लेंस से ही देख रही है, क्योंकि वो बिजनेस लेंस से दिखाना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी मजहबी चीजें भी करना चाहते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी जब उसने एक इंडियन नेशनल को इंटरनेशनल आतंकी यानी कि अंतरराष्ट्रीय आतंकी डिक्लेयर करने की कोशिश की। 5 कंट्रीज ने उसके खिलाफ वहां पर अपना वोट दिया और इस प्लान को चौपट कर दिया। मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। मजर कैसा फील होता है जब पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को टेररिस्ट कहा जाता है? बहुत बुरा फील होता है। कौन अपने आप को या बदमाश, गुंडा या टेररिस्ट कहलवाना चाहेगा? जब जो भी कहता है दुख होता है अंदर। जली ना, तेरी भी जली ना। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है वो ये है कि जो बैतुल मक़द्दस से लश्कर चलेगा वो हज़रत हिंद पर जब हमलावर होगा तो हिंद के बादशाहों को पकड़ के लाएगा, जंग जंजीरों में। आपने एक बादशाह का नाम नहीं लिया, यानी उससे पहले इंडिया विल नॉट बी ए यूनाइटेड कंट्री, ये बिखर चुका होगा और उस बिखरे हुए इंडिया पे हमला करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत की आवाज़ न्यूज़ चैनल पर। दोस्तों, पूरी दुनिया भारत को इस दुनिया में सुपर पावर की निगाह से देख रही है और पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश की नज़र से देख रही है। अब पाकिस्तान इसी बौखलाहट में है कि ये दुनिया हमें आतंकवादी आतंकवादी क्यों कह रही है। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर हर बच्चे के पास AK-47 गन होती है और उसको आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है और इंडिया के अंदर भेजा जाता है और फिर इंडियन आर्मी उनको ऊपर 72 के पास पहुंचा देती है, तो पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेके रो रहा है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। तो आइए मिलकर इस वीडियो का आनंद लेते हैं। जय हिंद। इंडिया की जो आबादी है वो तकरीबन 18-19% दुनिया की आबादी जो है वो इंडिया में है, और इंडिया जो है वो 2024 तक चाइना को क्रॉस कर जाएगा। इंडियन GDP अराउंड 3.5 ट्रिलियन है, और इंडिया की जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, परचेजिंग पावर कैपेसिटी टू परचेज वो जो है, दैट इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दैट इज वाई सारी दुनिया वहां पे उमड़ रही है। फिर GDP ग्रोथ रेट एज पर द वर्ल्ड बैंक फोरकास्ट फॉर 2022 एंड 2023 इज 7.5%, जबकि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है दे वो तकरीबन 596.4 बिलियन डॉलर एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पड़े हुए हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट्स के हवाले से देखा जाए तो मैं देख रहा था कि टोटल 2020-21 की जो एक्सपोर्ट्स हैं दे आर अराउंड 670 बिलियन डॉलर, जिसमें से कोई 422 बिलियन डॉलर जो है दैट इज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, whereas around 250 billion dollar is about the services jo hai wo export. Even then there is a deficit, but wo deficit wo aur tarikon se pura kar milega, 192 billion dollar ka deficit hai. Aur ek important cheez jo samajhne ke liye India ko, wo ye hai ki India is stands at 37th position in the global competitive index in terms of the business. Yahan pe India apne aap ko leke aa gaya. Bahut sare logon ko Pakistan mein nahi pata, जो मैं चाहता हूं कि पता चले वो ये है कि इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न बेस इन द वर्ल्ड। आई थिंक आफ्टर US चाइना इट्स इंडिया। तकरीबन 332 बिलियन डॉलर की यूनिकॉर्न जो इन्वेस्टमेंट्स हो गए इन टर्म्स ऑफ यूनिक। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी जब उसने एक इंडियन नेशनल को इंटरनेशनल आतंकी यानी कि अंतरराष्ट्रीय आतंकी डिक्लेयर करने की कोशिश की। 5 कंट्रीज ने उसके खिलाफ वहां पर अपना वोट दिया और इस प्लान को चौपट कर दिया। इस प्लान में पाकिस्तान और चाइना दोनों साथ शामिल थे, और वो आदमी कौन है जिस पर इन्होंने टारगेट लिया था और इस पर टारगेट क्यों लिया ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में उन जनाब का नाम है गोविंद पटनायक दुग्गी वलासा। ये गोविंद पटनायक दुग्गी वलासा जो है ये रहने वाले हैं उड़ीसा के, और ये अफगानिस्तान कुछ काम करने गए थे। कुछ काम करने में मीन्स वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट थे, वहां डेवलपमेंट का काम कर रहे थे। तो ये पाकिस्तान के टारगेट पर आए कैसे, और मैं आपको ये भी बताऊंगा लेकिन उससे पहले कि ये 5 कंट्रीज कौन थे। ये 5 कंट्रीज थे US, UK, फ्रांस,
अल्बेनिया और इंडिया। अब यूएस, यूके और फ्रांस ये तो परमानेंट मेंबर ही हैं, तो ये तो वीटो भी कर सकते थे, इन्होंने बिना वीटो के ही खत्म कर दिया कहानी को। यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल कमिटी है उसने ये बोला कि भाई कोई प्रूफ लाओ, हम कर देंगे। प्रूफ नहीं था, इन्हीं जनाब को ये लेकर के 2020 में भी गए थे कि इनको अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया जाए। उस समय भी यूएन की कमेटी ने यही बोला था, प्रूफ लाओ, प्रूफ है नहीं आपके हाथ में, आप ऐसे ही किसी को भी लेके आ जाते हो, हम कैसे कर दें। हर बार डिक्लेयर हुआ और ये इस बार डिक्लेरेशन के लिए पहुंचे क्यों, इस बार ये मोशन लेकर के चाइना के साथ मिलकर पहुंचे। चाइना के साथ मिलकर इसलिए पहुंचे, चाइना तो इनका खैर खास है, चाइना को पता है कि हमारे पास चमचे कितने हैं और पाकिस्तान को पाल के रखना है, तो चाइना के साथ मिलकर चाइना से जाकर के मिन्नतें मांगी होंगी, चाइना ने कर दिया। क्योंकि अभी चार दिन पहले अब्दुल रहमान मक्की, जो कि लश्कर ए तैयबा का आदमी है और उसके खिलाफ प्रूफ है, इंडिया ने दिया है, चाइना ने बड़ी मुश्किल से उसके खिलाफ मोशन को होल्ड पे लगाया, इंडिया ने प्रूफ दिया कि यह आतंकी है और इसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकी डिक्लेयर किया जाए, तो इन्होंने पलटवार करते हुए अब एक इंडियन को, जो के जैसे बोलते हैं एक डेवलपमेंट का काम करने वाला आदमी, उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकी डिक्लेयर करने के लिए यूएन में एक रेजोल्यूशन लाए। ये इंडिया को बदनाम करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। पिछली बार जब 2020 में आया था, वैसे 2017 में भी ये ऐसे ही कोशिश कर चुके हैं। और मदनी, कैसा फील होता है जब पाकिस्तानी को टेररिस्ट कहा जाता है, एज अ पाकिस्तानी क्या फीलिंग, क्या जज्बात होते हैं उस वक्त आपके? जी बात की जाए तो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपको पता है दूसरा मालिक भी जो है उसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं, यानी कहते हैं तशद्दुद वगैरह भी होता है, ब्लास्ट वगैरह भी होती हैं, लेकिन जब ऐसा काम पाकिस्तान में होता है तो पाकिस्तान को प्रोमिनेंट कर दिया जाता है। अगर हम उसके अलावा फिर मूवीज़ वगैरह की बात करें, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर कर लें, तो फिर इंडियन मूवीज़ जो आती हैं उसके अंदर भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का किरदार लाजमी दिखाया जाता है, और वो नेगेटिव ही दिखाया जाता है, या तो कोई लड़की दिखाई जाती है जो नेगेटिव किरदार एजेंसी की दिखाई जाती है, या फिर कोई मेल एक्टर दिखाया जाता है जो पाकिस्तान का रोल प्ले कर रहा होता है लेकिन रोल उसका नेगेटिव ही होता है। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। द इंडियन इकॉनमी इज मोर अ थ्रेट टू अस, भारत की इकॉनमी हमें ज़्यादा खतरा है, बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ वेल इन प्लेस। उनका उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है वो उनके जो टेक्निकल नॉ हब है वो वहाँ पर उनके आ जाता है और वो कॉरपोरेशन पे कब्जा कर लेता है, और जब वो कॉरपोरेशन में आप घुसते हैं तो फिर उसके बाद बाकी सारा कुछ चल पड़ता है। अब इस वक्त देखिए उनकी इस वक्त जो सबसे बड़ी जो मेजर शेयर है कॉरपोरेशन का, उनके हेड्स का, जो है वो इंडियंस का है। तो इंडियंस कहते हैं कि मोदी को खास तौर पे अमेरिकन्स लेके आए थे, क्योंकि अमेरिकन्स चाहते थे कि यहाँ पर एक ख़ास किस्म की एक मजहबी तजाद ज़बरदस्त किस्म का पैदा हो, एक ऐसी गवर्नमेंट आए कि जिस गवर्नमेंट की इंटरनेशनल स्टैंडिंग ख़त्म हो जाए और यहाँ पर आपस में रिफ्ट पड़े, और जब हम उस रिफ्ट पे पैदा शुरू हो जाएगी तो फिर हम उसको रोक नहीं सकेंगे। और अगर इंडिया देखे ना, आज 50 अमेरिकन रियासतें हैं, ये आज अलग-अलग हो जाए तो अमेरिका ख़त्म है। सिर्फ 3 रियासतें, कैलिफोर्निया, टेक्सस और न्यूयॉर्क, बल्कि न्यूयॉर्क भी कहते हैं, वो भी रहे बेशक, क्योंकि उसमें क्या उगता है, फ्लोरिडा वगैरह जो अगर ये अलहदा हो जाए तो अमेरिका ख़त्म हो जाता है, ये अलहदा रियासतों के सारा कुछ रिसोर्सेज इन्हीं जगहों पे। इसी तरह वो 57 इस्लामी मुल्क इकट्ठे हो जाएँ तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन जाते हैं। मतलब आप खुद सोचे ना कि हर चीज़ ही आपके पास है, तेल भी आपके पास है, गंदम भी आपके पास है, खाना भी आपके पास है, एटम बम भी आपके पास, और क्या चाहिए किसी आर्मी ताकत को बनने के लिए। तो इंडिया में भी अगर आप इसको उसको डिवाइड कर दें तो इसका मतलब, लेकिन चाइना की वजह से उनको उसको थ्रेट की वजह से, चाइनीज थ्रेट की वजह से उसको रखना पड़ता है। वो कहते हैं चाइनीज और ये दोनों आपस में लड़ लड़ के मरे।